दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 4 दिसंबर 2022 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी तड़कती भड़कती खबरों की, जहां पर आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग, इंडिया बांग्लादेश सीरीज के रिगार्डिंग, वुमेन्स आईपीएल के रिगार्डिंग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी काफी सारी बड़ी बड़ी क्रिकेट की खबरें निकल कर आ रही है। इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली सीरीज को बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर बीसीसीआई और आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमें फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों से आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए अपनी तैयारियों में जुटी है। जी हां, 23 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से कोची में हमें आईपीएल 2023 की नीलामी देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इसी बीच सभी आईपीएल फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर कल देर रात को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई के बीच आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के बाद हमें बीसीसीआई की तरफ से काफी सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं देखने को मिली है। जहां बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 में आईपीएल 2023 की शुरुआत होने वाली है। दो टेंटेटिव डेट्स भी यहां पर निकल कर आ रही है, जहां पर भाई या तो आईपीएल 2023 की शुरुआत 2 अप्रैल 2023 से हो जाएगी या फिर 7 अप्रैल 2023 से इस शानदार टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है। शेड्यूल के रिगार्डिंग भी बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है, जहां पर बीसीसीआई ने ऐसा कंफर्म किया कि अब की बार प्री शेड्यूल हमें देखने को मिलेगा। जी हां, जिस तरह से बिग बैश का शेड्यूल हमें 3-4 महीने पहले ही देखने को मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आईपीएल 2023 का शेड्यूल भी हमें सीजन की शुरुआत से 3-4 महीने पहले ही देखने को मिल जाएगा। यानी भाई प्री शेड्यूल आ जाएगा, जैसे ही शेड्यूल के रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहां पर बीसीसीआई ने इंपैक्ट प्लेयर रूल को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है, नई गाइडलाइंस को भी यहां पर जारी किया, जिसके ऊपर आपको स्पेसिफिक वीडियो जल्द ही अपने चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश 2023 को लेकर। जहां फिलहाल भारत की टीम बांग्लादेश के दौरे पर है, भारत और बांग्लादेश आपस में 5 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। आगाज यहां पर ओडीआई सीरीज के साथ होने वाला है, जिस वनडे सीरीज का पहला वनडे महामुकाबला हमें आज भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे से ढाका के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैच के रिगार्डिंग 2-3 बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर भाई सबसे बड़ा सवाल लाइव टेलीकास्टिंग के रिगार्डिंग था। अपने काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए थे कि भाई हम किस तरह से यहां पर इस सीरीज को लाइव देख पाएंगे, तो भारत में इस पूरी की पूरी सीरीज को सोनी टीवी टेलीकास्ट करने वाला है। जी हां, सोनी स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल्स हैं, जिनके लिस्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी चैनल्स पर हमें इस पूरी की पूरी सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। और यदि आप अपने टीवी पर फ्री डिश पर लाइव देखना चाहते हैं तो डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी बिल्कुल फ्री में लाइव टेलीकास्टिंग होने वाली है। यदि आप अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से सोनी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन वहां पर आपको मैच देखने के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। यदि आप जियो यूजर तो बिल्कुल फ्री में सीरीज के लाइव प्रसारण का मजा अपने मोबाइल पर उठा पाएंगे, जहां पर जियो टीवी और जियो सिनेमा दोनों ऐप्स पर हमें इस सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा सभी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर एशिया कप के वेन्यू को लेकर अभी तक बहुत ही बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। कहां पर होगा एशिया कप, सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट से। लेकिन बीच में एसीसी ने कंफर्म किया कि भाई पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। कल हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिली, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि यदि एशिया कप 2023 की होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से छीन लिए जाते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम एशिया कप से अपना नाम विड्रॉ कर लेगी और आगे फ्यूचर में एशिया कप में पार्टिसिपेट
वेट नहीं करेगी, जिसके चलते वेन्यू को डिसाइड करने का जो डिसीजन था उसको फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। जैसे हमें अपकमिंग किसी भी टाइप का कोई भी फर्दर अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर, जहां पर कल हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और रमीज रजा की तरफ से बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिली, जहां पर भाई उन्होंने ऐसा बोला कि वो आईपीएल सॉरी आपके एशिया कप 2023 के होस्टिंग राइट्स को डेफिनेटली विन कर लेंगे, हमें पाकिस्तान में एशिया कप देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर एशिया कप 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाती है तो हमें रमीज रजा की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिली है कि भाई इस चीज का बदला यहां पर पाकिस्तान जरूर लेगा, और पाकिस्तान भी यहां पर अगले साल यानी साल 2023 में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसा मानना है कि अगर पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इससे आईसीसी और बीसीसीआई को तगड़ा नुकसान होगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है वुमेन्स आईपीएल 2023 को लेकर, जी हां बीसीसीआई ने वुमेन्स आईपीएल के इनॉग्रल सीजन के अनाउंसमेंट कर दिए, जहां पर भाई आपको बताना चाहूंगा कि पहले ऐसी रिपोर्ट थी कि कुल 6 टीमें हमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी, लेकिन दोस्तों कल यहां पर बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि 5 टीमें हमें इनॉग्रल सीजन में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी, जहां पर आईपीएल की जो करंट टीमें हैं, करंट फ्रेंचाइजियां हैं, उन्हीं में से 5 फ्रेंचाइजियां टीमों को परचेस करने वाली, ऐसा कंफर्म हो चुका है। आने वाले कुछ टाइम में टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। बीसीसीआई यहां पर 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर रही है। उसके अलावा यहां पर स्टार्टिंग डेट के रिगार्डिंग भी बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला, जहां पर बीसीसीआई की तरफ से जो रिपोर्ट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि मेंस आईपीएल 2023 की शुरुआत से जस्ट पहले वुमेन्स आईपीएल का इनॉग्रल सीजन हमें भारत में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग चेन्नई सुपर किंग की टीम को लेकर। जी हां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़, जब से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने कप्तान केन विलियमसन को अपने स्क्वाड से रिलीज किया, जिसके बाद भाई अब यहां पर सभी ऐसा सोच रहे कि चेन्नई सुपर किंग्स केन विलियमसन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाने वाली है। लेकिन दोस्तों सीएसके की तरफ से हमें स्टेटमेंट देखने को मिल चुकी है, जहां पर सीएसके की टीम केन विलियमसन को लेकर यहां पर ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों का आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल की स्टूडियो बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।